महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान का इंतजार खत्म हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इसी के साथ उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष चुनाव की अपील की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा, हमें चुनाव का इंतजार था और चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव न कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वह सबने देखा। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान का इंतजार खत्म हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। इसी के साथ उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से निष्पक्ष चुनाव की अपील की। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा, हमें चुनाव का इंतजार था और चुनाव की घोषणा हो गई है, हम तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी उम्मीद करते हैं कि वह हरियाणा की तरह इस राज्य में चुनाव न कराए। पूरे देश की जनता देख रही है कि हरियाणा में क्या हुआ, चाहे ईवीएम हो या पोस्टल बैलेट, जो हुआ वह सबने देखा। पैसों का खेल चलेगा, पुलिस और सिस्टम का इस्तेमाल होगा। अगर चुनाव आयोग खुद को निष्पक्ष मानता है तो उसे निष्पक्ष चुनाव कराने होंगे।